सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। ऐसे समय में जब भारत में हाल ही में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, ऐसे में सऊदी प्रिंस का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत आने से पहले वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और सीधा वहाँ से ही वो भारत पहुँच रहे हैं। इस द्विपक्षीय वार्ता में भारत सऊदी प्रिंस के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठा सकता है। तो सऊदी प्रिंस दो दिन के लिए भारत में रहेंगे, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता होगी। बातचीत के दौरान भारत उनके सामने पाकिस्तान के द्वारा हिंदुस्तान की जमीन पर जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उस मुद्दे को उठा सकता है, उस पर बातचीत हो सकती है, जिसका ताज़ा सबूत पुलवामा में हमने देखा दो दिन पहले किस तरीके से एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। इसके अलावा बता दें आपको कि व्यापार के क्षेत्र में भी कई समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के अलावा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे। तो ये दौरा उनका भारत का बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और ऐसे वक्त में जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ उसके बाद लगातार भारत के साथ जो अन्य देश हैं वो साथ हैं, आतंकवाद जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है उसकी निंदा की जा रही है। और खबर ये भी है कि इस मसले पर भी बातचीत हो सकती है, किस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो भारत पहुंचेंगे सऊदी प्रिंस, भारत से पहले पाकिस्तान का वो दौरा कर चुके हैं।